कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है मेरे भाइयों के। और आज किस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वॉल जो है ये एकदम नॉर्मल है, ज़्यादा एट्रेक्टिव नहीं लग रही और कुछ खास भी नहीं लग रही, तो कुछ बेकार भी नहीं लग रही। तो दोस्तों मैं वॉल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक वॉल स्टिकर की। खुशी लाना स्टिकर, ये वाला टना। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं हम इसकी करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग तो हमने पहले ही कर ली, इसको हम लगाएंगे यहाँ पे नहीं, जो मैं पहले वीडियोस बनाता था अपने रसोई वाले कमरे के अंदर, तो हम रसोई की जो एक दीवार है उसके अंदर पूरे में ये लगा देंगे। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे लगाना है। एक बात आपको बता दूँ, आपको उसको अलग से चिपकाना नहीं पड़ता, ये पेपर जो है पीछे से निकल जाता है, फिर तो इसको सिंपली दीवार पे पेस्ट करना है। चलिए देखते हैं दोस्तों कैसा क्या करना है अपन को। और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया है, 200 रुपये का मुझे पड़ा है। अप्रोक्स 2 दीवार इससे आराम से हो जाएगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ा देखने को मिलेगा ये पेपर। और पेपर की जो क्वालिटी है ना यार, मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटा है। मुझे लगा कागज़ का है तो यार थोड़ा सा हल्का सा आया होगा, पतला सा ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल शानदार क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। और इसको अब मैं पूरी वॉल पे जब लगाऊंगा, जो रसोई वाली वॉल है, फिर देखते हैं कैसा लुक आता है। वैसे टेक्निकल के अकॉर्डिंग मैं लाया हूँ, ये थोड़ा 3D जैसा लगेगा अभी आपको, अभी आपको अकेला ऐसा अजीब लग रहा होगा। चलिए दोस्तों हम जल्द से जल्द इसे अपनी रसोई की दीवार पे चिपकाने जाते हैं, इस वॉल पेपर को। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी रसोई वाले कमरे के अंदर और इस दीवार को हम इस पे स्टिकर लगाने वाले हैं। और मैं आपको थोड़ी दिखा देता हूँ, ये मेरा रसोई वाला कमरा है, कहने का मतलब रसोई है। और हेल्पिंग टीम के अंदर हमारे पास है खुशी जो मदद कराएगी। और ये जो दीवार है ये पूरी दीवार पे हम करने वाले हैं, वॉलपेपर को लगाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। तो यार मैं सोच रहा था कि एक बार मैं डायरेक्ट इसको पेस्ट करने से पहले एक बार इसका थोड़ा सा टुकड़ा काट के चिपका के देखता हूँ, क्योंकि जो इस पर पेंट हो रखा है दीवार पे वो नॉर्मल जो डिस्टेम्पर वाला आता है बिरला पुट्टी, इस पर नहीं हो रखी इस दीवार पे, तो इस वजह से मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि यार ठीक से चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा। तो इसलिए मैं एक बार क्या काम करता हूँ, थोड़ा सा इसका टुकड़ा काटता हूँ फिर चिपका के देखता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसका टुकड़ा काटा है, इसको चिपका के देखता हूँ भाई सही से चिपक रहा है नहीं चिपक रहा। अगर नहीं चिपक रहा तो मुझे डबल डेकर टेप लानी पड़ेगी, लेकिन इसको चिपका के तो हम रहेंगे। हाँ जैसे कि आप देख सकते हैं ये चिपक तो गया एकदम सही, मैं एक बार मजबूती देख लेता हूँ दोस्तों, एकदम मस्त तरीके से चिपक गया हमारी जो है नॉर्मल वॉल है उस पर। तो देर किस बात की, चलिए इसको पूरे को चिपकाते हैं इस वॉल पे। और वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। कुछ जानना हो टेक रिलेटेड चीज़ से तो कमेंट कर सकते हो यार, कमेंट करना एकदम फ्री है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर सकते हो। दोस्तों जिसने लाइक नहीं किया उसे लाइक कर देना, और जिसने लाइक किया वो और कर देना। और लाइक नहीं होता खुशी, एक बार ही लाइक होता है। तो खैर जो भी है इसको हम पूरे पे लगाते हैं और फिर देखते हैं जो मेरे पहले का बैकग्राउंड, अभी का जो बैकग्राउंड आपको देखने को मिल रहा है पूरा सफ़ेद, मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, फिर ये लगेगा तो आपको कैसा मतलब फील आता है आप कमेंट बताइएगा। चलिए इसको मैं फटाफट पेस्ट करता हूँ पूरे के अंदर।
यार काम भी कंप्लीट नहीं हुआ, इतने ज़्यादा पसीने आ चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी पूरा लगा भी नहीं है, ये सिर्फ दो लेयर लगी है नीचे से लेके और ये ऊपर तक, सिर्फ दो लेयर लगी है जैसे कि आप देख सकते हैं। ऐसे भी दो लेयर और लगेगी जब जाके मेरी ये रसोई की पूरी दीवार कंप्लीट होगी। तो अभी आप सोच रहे हो कि यार काम रुका क्यों, मतलब कि मैंने अभी आप देख सकते हैं सिर्फ इतना हिस्सा बचा है जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, और एक छोटा सा हिस्सा इतना, मतलब कि मैंने 200 रुपये दिए इस वॉलपेपर के लिए और वॉलपेपर में कितना आया सिर्फ इतना, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे से लेके ऊपर तक सिर्फ इतना सा आया। मतलब कि मैंने YouTube पे बाकी जो वीडियोस देखी थी उनके अकॉर्डिंग ऐसा था कि 200 रुपये का मंगाओ और पूरी दीवार पे कवर हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसे फ्रॉड यूट्यूबर से आप बच के रहिएगा क्योंकि ये पूरा कवर नहीं हो रहा। 200 रुपये का मैंने मंगाया, वैसे 100 रुपये का भी अवेलेबल था पर मैंने 200 रुपये का मंगाया, मुझे लगा 200 में ज़्यादा आएगा, पर यार ये तो कम पड़ गया। अब मेरे को 200 रुपये का और मंगाना पड़ेगा ताकि जो ये बाकी बची हुई दीवार है जो मैंने ऊपर लाइन खींची हुई है इस पूरे पे लग जाए। तो अभी आप देखते हैं इतना लगा है नीचे से लेके ऊपर तक। और बाकी दोस्तों जो इसकी वॉलपेपर की क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो यार मुझे तो मैं लगाने जा रही हूं। खुशी उसको मत निकालो। बाकी इसकी बात करूँ मैं क्वालिटी की तो यार आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार क्वालिटी देखने को मिलती है, 3D लुक देखने को मिलता है। अभी तो मैं थोड़े पास से शूट कर रहा हूँ, जैसे ही मैं ये आज ऑर्डर करूँगा 2 दिन बाद जब ये आ जाएगा तो इसकी 2 लेयर हम आगे भी लगा देंगे इस जगह पे, तो फिर देखना कैसा जो लुक आपको देखने को मिलेगा मेरी टेक्निकल वीडियोज़ के अंदर। अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को लग रहा है, कैसा थोड़ा 3D सा फील आ रहा है और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो दोस्तों यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो पहले ही मैं आपको बता दूँ कि ये थोड़ा सा ही आता है, ज़्यादा नहीं आता। करीब मैंने इसको 7 फुट यहाँ लगा दिया, ऐसा मान सकते 6 फुट यहाँ लगा दिया, 6 फुट यहाँ लगा दिया और 5 फुट और नीचे बचा हुआ है, तो कुल मिला के मेरे पड़ गया ये कम, तो मेरे को एक और पैकेट मंगाना पड़ेगा, कुल मिला के मेरे हो गया 400 रुपये का खर्चा। तो आप भी ऑर्डर करूँगा, 2 दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद इसको पूरा लगाऊंगा, उसके बाद जो मेरी वीडियोस जितनी भी वीडियोस आएगी वो सारे इसी बैकग्राउंड से होकर आएगी, टेक्निकल वीडियोस। और थोड़ा मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको मंगाया, नहीं कुछ उसको नहीं लगाना, उसको नहीं लगाना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही यार, मैं पूरे में लगाता पर अभी मूड थोड़ा ऑफ हो गया मेरा इसके चक्कर में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।